नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने जा रहे हैं। UDC और LDC की रिक्रूटमेंट आई है, अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है और ऑनलाइन मोड में आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस आज से ही स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है और कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आ रही है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट है CCRAS.NIC.IN। होम पेज पे आप आएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई दे जाएगी ये रिक्रूटमेंट। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर LDC एंड UDC पोस्ट, क्लिक हेयर। यहाँ क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ क्लिक करके आप इनके लिए कर सकते हैं आवेदन। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है नवंबर 2019 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। इंपॉर्टेंट डेट सबसे ऊपर दे दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 20 नवंबर 2019 से स्टार्ट हो चुका है जो कि 19 दिसंबर 2019 शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा और रिटर्न एग्जाम की जो डेट है वो बाद में आपको बता दी जाएगी। अब देख लेते हैं वैकेंसियों के डिटेल। अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की 14 वैकेंसियां हैं, अनरिजर्व्ड 8, SC 1, ST 1, OBC 3, EWS 1, PWD हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 2 वैकेंसियां हैं। LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के टोटल वैकेंसियां हैं 52, जिसमें CCRAS में 30, CCRH में 21 और CCRYN के लिए 1 वैकेंसी है। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इन 30 वैकेंसियों में 15 अनरिजर्व्ड, 4 SC, 2 ST, 6 OBC, 3 EWS और 4 PWD की। CCRAS की 21 वैकेंसी में 11 अनरिजर्व्ड हैं, 2 SC, 1 ST, 5 OBC और 2 EWS के लिए हैं। टोटल 52 वैकेंसियों में अगर हम ब्रेकअप देखते हैं तो 57 वैकेंसियां अनरिजर्व्ड, 6 SC, 3 ST, 11 OBC, 5 EWS और 5 वैकेंसियां PWDs की हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। यह है वैकेंसियों की डिटेल। इसके बाद दे रखी है एज लिमिट, 18 साल से और 27 साल का कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं और आयु में छूट मिल जाएगी जो भी एप्लीकेबल होगी कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रेगुलेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए। यूडीसी के लिए डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी ग्रेजुएट इनके लिए आवेदन कर सकता है और LDC के लिए किस कोई भी कैंडिडेट ने 12th क्लास पास कर रखी है वो आवेदन कर सकता है और जिसकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और ये कंप्यूटर पे आपकी होनी चाहिए। इसके बाद शेड्यूल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉर LDC UDC पूरा ये शेड्यूल दे दिया गया है। डेट अनाउंस नहीं की गई है। आपके एग्जामिनेशन के जो सेंटर होंगे वो होंगे दिल्ली, औरंगाबाद, चेन्नई, कलकत्ता, गुवाहाटी, लखनऊ या फिर चंडीगढ़। इन 7 जगहों में से आपका कोई भी एप्लीकेशन एग्जामिनेशन का सेंटर हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ दे दिया गया है LDC और UDC दोनों का, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। रिटन एग्जाम का पूरा सिलेबस भी यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी, देयर विल बी 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट CCRAS.NIC.IN। यहाँ पे जाके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। SC ST PWD EWS वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। The payment of application fees is to be made through online system only. सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप फीस जमा करा सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी इन्फॉर्मेशन इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको प्रोवाइड करा दी गई है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।